हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम। अब तक हमने सैचुरेशन तक देखा है। हमने बीच में अभिजीत दांडेकर का एक चैप्टर स्किप किया था, जो हम आज देखने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं आज। यानी देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं बोल देता हूँ कि कल देखा था, परसों देखा था, तो वो उसका मतलब होता है कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। आप समझ जाओगे, ऑलरेडी मैंने लेक्चर का 1, 2, 3, 4 वैसे ही अपलोडेड है, तो इजीली वो समझ जाओगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बात करके दो चैप्टर की। अब देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी गेट एग्जाम ऑफ व्यूज से उतनी इम्पोर्टेंट रिजर्वायर के एस्पेक्ट से नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, जिसकी हम केवल डेफिनेशन की बात करेंगे और कुछ नहीं। ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 12th स्टैंडर्ड। ओके, ये 12th स्टैंडर्ड की ही बातें हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जो इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारे कोर्स में इंक्लूड है रेजिस्टिविटी लॉग, तो उस टाइम पे हम आर्ची इक्वेशन और वो सब देखने वाले हैं, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं स्पीडली मूव करूँगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ। हम वो अच्छे से अंडरस्टूड करेंगे कब, जब हम मार्कम राइडर फॉलो करेंगे, जब हम रेजिस्टिविटी लॉग देखेंगे, तब पूरे एस्पेक्ट कवर करेंगे। पर अभी के लिए जो समझना है वो हम अभी समझ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जो क्लियर होता है, कि अगर नहीं भी होता है तो आप चिंता मत कीजिएगा, वो हम अच्छे से कवर करेंगे रेजिस्टिविटी लॉग जब कवर करेंगे तब। तो चलो, टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो है ट्रेस। ठीक है, ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया, यानी कि इसका यूनिट क्या है, PSI या फिर पास्कल, जो प्रेशर का यूनिट होता है वो। फोर्स्ड अप्लाइड टू रॉक पर यूनिट एरिया क्या होता है? स्ट्रेस होता है। अब वो फोर्स कौन कौन से होते हैं वो अगर मैं बता दूं तो, टेंशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, ठीक है, थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, शीयर होता है, ठीक है, जो पैरेलल फोर्स होते हैं परंतु उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, उसे शीयर कहते हैं। अच्छे से कवर होगा जब हम विस्कोसिटी देखेंगे। विस्कोसिटी, शीयर स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो हमारे शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन जो होते हैं, वो हम ड्रिलिंग में देखेंगे, जब हम रिग हाइड्रोलिक देखेंगे, ठीक है, उसमें मॉडल देखेंगे। तो ये तीन होते हैं। अब ये आपको अगर 12th का क्लियर करवा दूँ तो टेंशन क्या होता है? टेंशन यानी कि अज्यूम करो ये कोई एक स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने रस्सी से कुछ ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, ठीक है, तो इसका ग्रेविटेशनल वेट डाउन होगा, तो ये वेट जितना ही अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन होगा, जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो जो ये इसके वेट को, जो डाउनवर्ड है वो वेट को जो इक्विवेलेंट कर रहा है, वही तो टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन पुल अपार्ट, ठीक है, याद क्या रखना है, टेंशन पुल अपार्ट, यानी कि ये पुल कर रहा है इसको, अपार्ट पुल कर रहा है, ठीक है, रॉक को। फिर दूसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो फिर कंप्रेशन क्या होता है? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो जो इस पर इफेक्टिव फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन से क्या जुड़ा जाएगा, प्रेस अगेंस्ट, क्या प्रेस अगेंस्ट है, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, ट्रेस क्या होता है, टेंशन, कंप्रेशन क्या होता है, शीयर हम आगे देखेंगे, शीयर विस्कोसिटी क्या होती है, वो अच्छे से कवर होगा, दो बार कवर होगा, एक ड्रिलिंग में भी कवर होगा, प्रोडक्शन में जब हम पंप देखेंगे तो उसमें फ्रिक्शन चैप्टर इम्पोर्टेंट है पंप के लिए, तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखेंगे। जो हज्यूम पॉयलर्स इक्वेशन है वो कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तब हमारा शीयर क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है स्ट्रेन क्या होती है, अगेन स्ट्रेन क्या होती है, जैसे ही हमने पोरोसिटी देखा, सैचुरेशन देखा जो एक परसेंटेज थे, वैसे ही स्ट्रेन भी एक परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ
क्या इंडिकेट करेगा? डिफॉर्मेशन इंडिकेट करेगा। परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू। परसेंटेज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू होता है ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में क्या आ जाएगा? ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से जो डिफॉर्मेशन है लेंथ में वो हो सकता है। ओरिजिनल डायामीटर के हिसाब से जो डिफॉर्मेशन है किस में? डायामीटर में वो हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं स्ट्रेन को? एल माइनस एल नॉट अपन एल नॉट। एल क्या है? फाइनल लेंथ इफेक्ट से। एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रेन? तो ये क्या है? चेंज इन दी लेंथ, यानी कि डेल एड अपन एल नॉट। अब ये इसको क्या बोलेंगे? ये लॉन्गिट्यूडनल मैंने लिया है, देखो लेंथ में लिया है। इन दी सेंस अगर ये हमारा पाइप है और अगर मैं इसको खींच रहा हूँ या फिर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, सो खींचने से क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी। कंप्रेस करने से क्या होगा? उसमें भी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? सोचो, अगर यहाँ से कंप्रेस कर रहा हूँ, चलो ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेंथ कम होगी। ठीक है, तो एक लेंथ है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये सब स्टैंडर्ड 12th में आपने देखा ही है, जस्ट रिवीजन ही करना है। ठीक है, डिप्लोमा वालों ने शायद डिप्लोमा में भी देख लिया होगा। डी माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम लैटिट्यूडनल, या लैटिट्यूडनल ही बोलते हैं भाई, लैटिट्यूडनल स्ट्रेस। ये डायामीटर में वेरिएशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डायामीटर में उसको लैटिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि लेंथ चेंज हो रही है तो डायामीटर भी चेंज होगा ही। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? पाइप बाई फोर आर स्क्वायर, पाइप बाई फोर डी स्क्वायर एल। तो अगर लेंथ चेंज हो रही है तो डायामीटर चेंज होता ही है, क्योंकि हर केस में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी स्ट्रेन की, लॉन्ग लेटिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब बात करेंगे इलास्टिक नेचर और प्लास्टिक नेचर क्या होता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सिंपल, जो चीज़ खींचने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है तो उसे हम इलास्टिक रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहते हैं। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा होगा। ये पहले ऐसे वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये वाला, फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत यू होके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमने एक डायग्राम भी पढ़ा होगा कि ये ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, या ये पॉइंट है जो ए पॉइंट, वहाँ तक क्या है? इलास्टिक है। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये एक रॉड है, इसको मैं अगर खींच रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं खींच रहा हूँ, इसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, लेंथ बढ़ रही है, इसको खींच रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? लेंथ बढ़ रही है तो ई भी बढ़ेगा। ठीक है, एक कंडीशन आएगी जो मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे इसकी जो इस कंडीशन के बाद, यानी कि जो ये मैक्सिमम सिग्मा है, ठीक है, मैक्सिमम सिग्मा के बाद इसकी लेंथ में फोर्स से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक ये लाइन फॉलो हो रही थी तब तक इसको खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम सिग्मा ये हो जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू, ये पर एरिया होता है एफ बाई ए, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, तो जो एफ बाई ए की वैल्यू ये मैक्सिमम लिमिट से बढ़ जाएगी तो फिर ये यहाँ से दोनों ओर दो टुकड़े हो जाएंगे, और या फिर बोल सकते हो कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकेगा। ठीक है,
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और वो सब मैकेनिकल के एस्पेक्ट्स है, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा परमानेंटली, यानी कि अगर हमने इसको खींच दिया, जैसे कि पैन होती है उसको खींच दी तो एक कंडीशन तक वो वापस आ जाएगी, लेकिन पूरी खींच दी तो फिर उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा खींच दी तो फिर टूट जाएगी। तो जब से वो डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए एबल नहीं है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, किसी भी पदार्थ की टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर वो फोर्स के यूनिट में है तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, अगर वो PSI यानी कि प्रेशर के यूनिट में है तो उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ड्रिलिंग में भी बहुत थोड़ा बहुत आएगा इसके अनुरूप टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है रॉक की, पर ये सिंपल सी बात है। इसके बाद होगा पॉइजन रेशियो। अब हमने बोला कि जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, डायामीटर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेन। ये क्या है, स्ट्रेन, कौन सी, लेटीट्यूड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, कौन सी, लॉन्गिट्यूड, हो गया, इसे ही बोलते हैं पॉइजन रेशियो, डेल डी बाय डी नॉट अपन डेल एल बाय एल नॉट, ओरिजिनल डायामीटर, चेंज इन डायामीटर, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ओके। तो पॉइजन रेशियो यहाँ पे याद रख सकते हो, जो मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो मटेरियल सॉफ्ट है उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है ना, और जो मटेरियल हार्ड है उसके लिए वे क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो लो हो जाएगा। जैसे कि SST जो सॉफ्ट होता है और कार्बोनेट जो कॉम्पैक्टेड होते हैं, ठीक है, ये सब एक्सप्लोरेशन वाली बात है, थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। SST क्या होता है, सॉफ्ट होता है, अनकंसोलिडेटेड ज़्यादा रहता है, कार्बोनेट होता है वो स्टीप होता है, तो उस ऐसे मटेरियल का वी क्या होता, पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये चीज़ याद रखनी है हमें कि जो सॉफ्ट है उसका पॉइजन रेशियो क्या होता है, ऑलवेज हाई होता है, जैसे कि सैंडस्टोन। अंडरस्टैंडिंग होना है तो यहाँ से देख लो, हाई है उसका मतलब लेटीट्यूड वाला वैल्यू हाई हो जाएगा, उसमें डायामीटर ज़्यादा चेंज हो सकता है लेंथ के डिफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। अब आगे यंग मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है, यंग मॉड्यूलस अब हम देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप, ठीक है, डरो मत, भारत पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है, ब्लैक कलर ले लेता हूँ अब। तो उसमें पहला होता है यंग मॉड्यूल, डिनोटेड बाय ई। ई क्या होता है, अब ये स्ट्रेस अपन स्ट्रेन ही है तो अपन इसमें कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रेशर के। ये प्रोडक्शन में फिर से देखेंगे जब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द ट्यूबिंग लेंथ पर, अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। तो ये प्रेशर ही है एक हिसाब से, तो प्रेशर से ट्यूबिंग की लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है वो यंग मॉड्यूल से पता चल जाएगा। स्टील का कितना होता है दिया होगा, याद नहीं रखना है, पर बेसिकली बोल रहा हूँ 10 × 10^5 PSI जितना होता है, ठीक है। ये हो गया यंग मॉड्यूलस। दूसरी बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या होती है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी,
बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं, आप तुरंत समझ जाओगे, ये होती है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी और या फिर इसके इक्विवेलेंट पैरामीटर होगा, ठीक है। तो कैसे डिनोट करते हैं, ये क्या है, शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन। अभी के लिए फॉर्मूला याद रख लो, जब हम देखेंगे रिग हाइड्रोलिक वाला चैप्टर जिसमें बिंघम न्यूटोनियन वो सब फ्लूड पढ़ेंगे तब ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देखते हैं, हैरियट वेट ड्रिलिंग में मिलेगा इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन, वो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है वो बल्क मॉड्यूलस होता है, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, के क्या होता है, ठीक है। के सिंपली चेंज इन प्रेशर यानी कि चेंज इन ट्रेसी लिखा है वो अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि किसी भी स्ट्रेन को लिखना है तो उसका चेंज डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, डेल पी अपन डेल वी बाय वी। और एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी रॉक की बल्क मॉड्यूलस, किसी भी रॉक का बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स होता है, ठीक है। ये वन डिवाइडेड बाय कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रॉक, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड, कि किसी भी बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रॉक का इनवर्स होता है। बायएक्सियल ट्राइएक्सियल टेस्ट है, यूनिएक्सियल टेस्ट है, शायद फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में की होगी, अभी तक याद हो ना हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रॉक कंप्रेसिबिलिटी। अब अगेन हम यहाँ पे ये क्या लिखा मैंने, इनवर्स ऑफ द बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, रॉक कंप्रेसिबिलिटी। तो अब देख लेते हैं रॉक कंप्रेसिबिलिटी, रॉक की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रॉक की कंप्रेसिबिलिटी होती है माइनस वन अपन वी डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये हो गई आइसोथर्मल कंप्रेसी, आइसोथर्मल किसकी, रॉक की कंप्रेसिबिलिटी। वैसे अगर आइसोबारिक लिखनी है आपको, ठीक है, आइसोबारिक क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने कौन सी लिख दी, आइसो बारीक लिख दी, ठीक है। प्रेशर क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने रॉक की कंपेबिलिटी की बात की। तो रॉक की बात कर रहे तो वॉल्यूम भी रॉक का, अगर मैं कहूँ कि बल्क कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है तो ये सी आर की जगह सी बी लिख रहे, वी आर की जगह वी बी और वी आर की जगह वी पी, पोर की लिख रहे सी पी वी पी वी पी, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ये नेगेटिव साइन क्यों है, ये नेगेटिव साइन है क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। जब भी प्रेशर चेंज कर रहे तब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर प्रेशर बढ़ा रहा हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्लोज आ रहे हैं, गैस की लिक्विड हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। वैसे ही अगर प्रेशर कम कर रहा हो तो क्या होगा, इनवर्स जो आगे बोला उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर सी पी लिखना हो, ठीक है, तो माइनस वन पोर वॉल्यूम, ठीक है, मैं आइसोथर्मली यूज कर रहा हूँ, ये वाली अपन के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली इक्वेशन जो टी कांस्टेंट है आइसोथर्म कंडीशन है वही इम्पोर्टेंट है। ये सीपी हो गया, वैसे ही बल्क कंप्रेसिबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक आगे लिखी थी वो थी आइसोथर्मल रॉक कंप्रेसिबिलिटी,
अब एक बात क्या करना है, मोस्टली जो कंप्रेसिबल है वो क्या है, अब देखो सॉलिड ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है कि लिक्विड, सोच के आंसर देना। सॉलिड कम कंप्रेसिबल होगा, लिक्विड हाई कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। थोड़ा डार्क हो रहा है, ठीक है। लिक्विड क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल होगा, हाई कंप्रेसिबल, ठीक है, ये लेस कंप्रेसिबल। लेकिन तो फिर हमारे लिए ये दो वैल्यू है, ये दोनों में से, अब देखो हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रॉक है और कंप्रेसिबिलिटी पोर है जिसमें क्या है, फ्लूड प्रेजेंट है। तो फिर ये दोनों में से कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली सीपी क्या होगी, ग्रेटर देन सी आर हो जाएगी रॉक की, ठीक है। बहुत बड़ी होगी कौन सी वाली, सीपी, क्योंकि उसमें क्या है, फ्लूड है। और बल्क कंप्रेसिबिलिटी नॉर्मली फाई इंटू सीपी, जो बल्क कंप्रेसिबिलिटी है वो कितनी होगी, फाई इंटू सीपी जितनी। तो सीपी ग्रेटर होगा कि सीबी ग्रेटर होगा, फाई क्या है, एक से छोटी वैल्यू है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीबी से भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। अब ये हुआ जो बल्क कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, बल्क कंप्रेसिबिलिटी, वो सीपी वो क्या है, पोर कंप्रेसिबिलिटी है, वो नियरली ये रिलेशनशिप फॉलो करती है, ठीक है। तो ये तीन टाइप की कंप्रेसिबिलिटी हो गई। अब पता करते हैं टोटल कंप्रेसिबिलिटी किसे बोलते हैं। सी टोटल यानी कि हमारे रिजर्वायर में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रेन, रिज्यूम करो, इसमें थोड़ा वाटर है, थोड़ा गैस है और क्या है, थोड़ा ऑयल है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट है। तो क्या क्या होगा, देखो टोटल परमिएबिलिटी में क्या क्या होगा, फ्लूड की भी काउंट करेंगे वत्ता रॉक ग्रेन की भी काउंट लोड काउंट करेंगे। ये रॉक ग्रेन यानी कि अपना जो फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी फॉर्मेशन है, SST फॉर्मेशन है या फिर कोई भी और फॉर्मेशन है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन है, उसके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी है वो है। अब फ्लूड में भी हमारे पास कौन कौन से फ्लूड है, तो सीटी क्या हो जाएगा, ऑयल की, वाटर की, गैस की, इसको मैं CF से डिनोट करता हूँ। सी ऑयल कितनी है, क्योंकि भाई जो ऑयल की इफेक्टिव CW यानी कि इसकी इफेक्टिव, CG यानी कि इसकी इफेक्टिव। अब ऑयल है, ठीक है, इसमें ऑयल प्रेजेंट है, तो ऑयल पूरा का पूरा ऑयल तो है नहीं, वो कुछ परसेंटेज ऑयल है, तो सीटी हम क्या लिखेंगे, तो SO ऑफ दी सी ऑफ ऑयल प्लस SG ऑफ दी सी ऑफ गैस प्लस SW ऑफ दी सी ऑफ W वत्ता CF, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये इफेक्टिव क्या है। इफेक्टिव मैंने इसीलिए बोला कि अगर सिंगल फ्लूड प्रेजेंट होता, सपोज करो ये अपना रॉक है और इसके अंदर ओनली एंड ओनली वाटर प्रेजेंट होगा, पूरा का पूरा पोर वॉल्यूम वाटर से ऑक्यूपाई हुआ होगा, तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ओनली एंड ओनली ये टर्म डिनोट करता, तो हम CW डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब मोर देन वन फ्लूड है, जब हमारे पास क्या है, मोर देन वन फ्लूड प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, ऑयल भी है, वाटर भी है और गैस भी है, तो क्या हम डायरेक्टली सी, ये क्या
क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं CO CW प्लस CG प्लस CF, ये हो गई फ्लूड की? नहीं, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि पोर स्पेस इक्वल नहीं है सबकी। ऑयल कुछ अगर सपोज करो टोटल 100 m³ का पोर्स है, तो उसमें किस में 50 m³ में ही क्या है, ऑयल है, 10 m³ में गैस है, और बाकी के बचे 40 m³ में वाटर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इस तरह डायरेक्टली सम नहीं लिख सकते। तो हमें क्या यूज़ करना होगा, ऑयल की इफेक्टिव, वाटर की इफेक्टिव, गैस की इफेक्टिव, प्लस CF तो ग्रेन है, वो तो पूरे का पूरा हो ही जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी। अब CO ऑयल यूज़ करते हैं तब हम क्या देखते हैं, ये परसेंटेज। तो परसेंटेज हम किसी भी फ्लूड का किससे निकाल देते हैं, सेचुरेशन से, ठीक है। तो जो सेचुरेशन से हम परसेंटेज निकालते थे, ठीक है, जो सेचुरेशन से हम परसेंटेज निकालते थे तो वही हमें लेना है, ठीक है। तो ये SO इंटू सी ऑयल, तो CT का फॉर्मूला बेसिकली क्या बन के आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गई टोटल रिजर्वायर की कंप्रेसिबिलिटी। अब और एक टर्मिनोलॉजी है, वो है इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी, अगर मैं बोलूं कि ऑयल की इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो क्या होगी, टोटल कंप्रेसिबिलिटी डिवाइडेड बाय उसका सेचुरेशन। वैसे ही सी ऑफ वाटर की इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, तो वो भी क्या करेंगे, सी टोटल डिवाइडेड बाय एस ऑफ वाटर। और वैसे ही गैस की इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, तो वो हो जाएगा सी टोटल डिवाइडेड बाय एस ऑफ गैस। अब मैंने यहाँ पे जो इफेक्टिव लिखा है, ठीक है, ये इफेक्टिव वो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा है, ये इफेक्टिव का इस इफेक्टिव से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि ऑयल की इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी अगर आपको कोई निकालना दे तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है। आपको पहले टोटल कंप्रेसिबिलिटी जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखी ये वाली, ये हमें यूज़ करनी है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। चलो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ ऑयल कंप्रेसिबिलिटी प्लस परसेंटेज ऑफ गैस कंप्रेसिबिलिटी प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर की कंप्रेसिबिलिटी वत्ता CF, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, सिंगल फ्लूड नहीं है, तीनों के तीनों फ्लूड है, तो उसका कितना हिस्सा, ये क्या था, रिलेटिव अमाउंट था, ठीक है। तो सी ऑयल का कितना हिस्सा होगा, SO जितना, ठीक है, सी गैस का कितना होगा, SG जितना, और CW का क्या होगा, SW जितना। सेचुरेशन क्या था भाई, गिवन फ्लूड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम, तो पोर वॉल्यूम में वाटर का कितना अमाउंट है, तो उतने परसेंट की ही कंप्रेसिबिलिटी हम काउंट करेंगे ना। यहाँ पे CW नहीं लिख सकते पूरे टर्म की जगह, क्यों, SW CW लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके परसेंटेज के हिसाब के उसकी कंपेटिबिलिटी का कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है। ये चीज़ समझ लिया, और उसके बाद हमने देखा इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। अगर टोटल कंप्रेसिबिलिटी जो हमारी निकल के आ रही है अगर उसे सेचुरेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे जो कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी उसे इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा बोले कि हाइड्रोकार्बन की इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, सी टोटल लेना है अपन सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो फिर हमें क्या देखना है कि क्या भाई अपना ऑयल और गैस कौन कौन इसमें इंक्लूड होगा, ऑयल और गैस दोनों आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये थी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। अब ये सब में से इम्पोर्टेंट क्या है,
इसमें से इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, गेट के हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट खबर होने चाहिए जो 12th के थे, कंप्रेसिबिलिटी के क्वेश्चन। कंप्रेसिबिलिटी हम आगे फिर से देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे मैंने बता दिया है तीन टाइप की कंप्रेसिबिलिटी होती है, बल्क कंप्रेसिबिलिटी, पोर कंप्रेसिबिलिटी और रॉक की कंप्रेसिबिलिटी। ये रिलेशनशिप है बल्क कंप्रेसिबिलिटी और पोर कंप्रेसिबिलिटी के बीच का। अब ये टोटल कंप्रेसिबिलिटी निकालना आपको आना चाहिए, इसमें ये वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, और उसके बाद आपको इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है उस, अगर इफेक्टिव बोला है तो आपको सेचुरेशन से डिवाइड करना होगा, और अगर हाइड्रोकार्बन का बोला है तो HG+SO करना होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहता तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वो भी इम्पोर्टेंट है तो हम वो भी ऐसे देख लेंगे। तो इस चैप्टर से आपको बस इतना ही याद रखना है, ये जो कंप्रेसिबिलिटी का हमने देखा, टोटल कंप्रेसिबिलिटी, इफेक्टिव कंप्रेसिबिलिटी, ये अच्छा आना चाहिए और इसके क्वेश्चन हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।